मैं आखिर में एक बात करना चाहता हूं, वो ये कि ये कैसा मुल्क है कि यहां पर इमरान खान के घर को तो रेगुलराइज कर दिया जाता है, लेकिन कराची में 40-41 साल से बनी गई मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। यहां आप कौमी असेंबली से बाहर निकले, मैं आपको बिल्डिंग्स दिखाऊंगा कि वो गैर कानूनी है और आपकी हुकूमत में उनको कहा जा रहा है कि आप पेनल्टी भर दे, आपको रेगुलराइज किया जाता है। अवाम की झोंपड़ियों को न गिराएं जनाब स्पीकर। आप अगर ये इकदाम करना चाहते हैं, आप बिला तफरीक करें, आपको कोई ताना नहीं देगा, कोई आपको बुरा भला नहीं कहेगा। लेकिन अगर मसाजिद शहीद होंगी, ऐसी मसाजिद भी शहीद की गई है जो पाकिस्तान बनने से भी पहले कि वहां तामीर हुई है। मैं इसको पूरा मौका दूंगा। आप उन मसाजिद को भी शहीद कर रहे हैं जनाब स्पीकर। ये संजीदा नौयत का मसला है। मसाजिद के हवाले से आपको रूलिंग देनी चाहिए। ये मसला अहम मसला है। अवाम के अंदर भी इस पर इश्तेआल आएगा। खुदा न खास्ता आपके कराची में बहुत बड़े मसाइल पैदा होंगे। इस तरह के हसास नौयत के मसाइल का नोटिस आपको लेना चाहिए और उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। थैंक यू। कराची वाली मस्जिद पर रूलिंग दे दे। रूलिंग वो सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें क्या वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जी। वाइड अप कर ले प्लीज जनाब स्पीकर। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो रूलिंग नहीं दे सकते, लेकिन आप आईन के खिलाफ रूलिंग देते हैं। आपकी बात हुकूमत के हक में हो तो आईन बन जाती है, और आपकी हक बात कौम के हक में हो तो आप उसमें दूसरे इदारे ले आते हैं। जनाब